हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी सिंटैक्स के लिए, तो फ्रेंड्स अब हमने सिंटैक्स का ये सीरीज स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, सिंटैक्स में इतने सारे रूल्स हैं जो कि एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, तो इसमें हमें ढेर सारे वीडियोस बनाने पड़ेंगे जिसमें कुछ रूल्स होंगे। हर एक वीडियो में 4 से 5 रूल्स आपको बताए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब इस सिंटैक्स के वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं डेली अपलोड नहीं कर पाऊँगा तो कम से कम एक दिन बाद तो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और वास्तव में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। यही हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब हमें यूज करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें केवल सिंगुलर और प्लूरल से नहीं, मतलब इसके पर्सन से भी मतलब होना चाहिए कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आई के बारे में आप सोचते होंगे कि आई तो हमेशा एक ही वचन है, आई का मतलब मैं होता है और मैं तो एक ही पर्सन हूँ, तो आई एक वचन है। बट इसके साथ, आई के साथ हम डू का यूज़ क्यों करते हैं? आई के साथ हम प्ले क्यों लिखेंगे, प्लेज क्यों नहीं लिखेंगे? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई एक वचन तो है, सिंगुलर तो है, बट ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं बल्कि प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा होता है जिसमें हम आई के साथ वॉज का यूज़ करते हैं, जो कि एक सिंगुलर वर्ब है, और इसको एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। और रूल यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो किन किन फॉर्म्स में आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो कोई नाउन वो सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। तो अगर कोई नाउन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मान लेते हैं वो नाउन है पेन या फिर वो नाउन है राम, तो इस तरह से अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो वो एक वचन है या बहुवचन, ये तो हम पता कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर पेन लिखा गया है तो ये पेन एक वचन है, और अगर पेन के साथ हम एस ऐड कर देते हैं तो पेन्स क्या हो गया, ये इसका बहुवचन हो गया। तो इस तरह से तो हम जान सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हमारा एक वचन है या फिर बहुवचन है। बट ये जो वर्ब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे गो लिखा गया है, अब आप ये कैसे जानेंगे कि गो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? क्योंकि गो क्या है, एक वर्ब है। और हम कैसे जानेंगे कि एक वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो फ्रेंड्स, ये रूल होता है कि जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है, जो भी बेस फॉर्म होगी वर्ब की, जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, तो ये जो बेस फॉर्म्स होते हैं सभी वर्ब्स के, वो हमेशा ही प्लूरल होते हैं। वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, ये बात आपको याद रखना है। जैसे गो को अगर पूछा जाए गो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो हम कहेंगे कि गो प्लूरल है, क्योंकि ये इसका बेस फॉर्म है। और जैसे नाउन को हमें बहुवचन बनाना पड़ता है एस या ईएस ऐड करके, जब किसी नाउन को हमें बहुवचन बनाना होता है तो उसमें हम एस या ईएस ऐड करके उसे बहुवचन बनाते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स जो वर्ब्स होते हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हमें एस या ईएस ऐड करना होता है। नाउन का ठीक उल्टा होता है, किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस ऐड किया जाता है। जैसे बुक यहाँ पे एक नाउन है, और बुक को देखा जाए कि ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है, और जब इसे हमें प्लूरल बनाना होगा तो इसमें हम एस ऐड करके इसे प्लूरल बना देंगे। और ठीक उसी का उल्टा, अगर कोई वर्ब होता है, मान लेते हैं कम, कम यहाँ पे एक वर्ब है, और अगर पूछा जाए कि ये कम सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो ये कम इसका बेस फॉर्म है इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में है, और अगर इसे हमें सिंगुलर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें एस या ईएस ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें ये रूल अच्छे से याद कर लेना है कि किसी नाउन में एस या ईएस ऐड करके उसे प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब में एस या ईएस ऐड करके उसे सिंगुलर बनाते हैं। ये चीज़ हमें आना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम तभी समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जितने भी हेल्पिंग वर्ब लगते हैं उसके लास्ट में एस आया होता है। फॉर एग्जांपल, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, तो इसमें हम सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, इसमें ऑलरेडी यहाँ पे एस आया हुआ है लास्ट में। उसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर हेल्पिंग वर्ब है इज, एम या फिर आर, तो इसमें सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब आएगा जिसके लास्ट में एस आया हुआ है, इज, ये सिंगुलर के साथ यूज होता है। उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज करते हैं हैज या फिर हैव का, और इसमें सिंगुलर के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैज, हैज के लास्ट में यहाँ पे एस आया हुआ है,
उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, जिसमें सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज, जिसके लास्ट में एस आया हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर कब होते हैं और प्लूरल कब होते हैं। वर्ब ऑलरेडी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, जब उसमें हम एस या एस ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और इसे नोट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक नाउन के रूल्स की बात है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, कुछ नाउन प्लूरल देखने में लगते हैं बट वो रहते हैं सिंगुलर, तो ये सभी चीज़ें आपको वीडियोस में बताई गई हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके उसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारा है कि द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, अर्थात बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रेन यहाँ पे एक नाउन है, तो ये चिल्ड्रेन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, इसके साथ किसका यूज किया गया है, इज का। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन, इसमें जो नाउन आया हुआ सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो चिल्ड्रेन की अगर बात करें तो ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और इज की बात करें तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ये, क्योंकि एस यहाँ पे लास्ट में आया हुआ है। अर्थात ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसमें हमें इज का नहीं बल्कि आर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम आर का यूज कर देंगे, अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अब प्लूरल वर्ब आर आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें ध्यान देना होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट्स, टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जितने भी टीचर होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट्स को ज़्यादा लाइक करते हैं। तो टीचर्स लव्स गुड स्टूडेंट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट और वर्ब पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है टीचर्स और वर्ब यहाँ पे है लव्स। टीचर एक नाउन है, इसमें एस ऐड करके इसे क्या बनाया गया है, प्लूरल, यानी कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। और जो इसमें वर्ब आया हुआ है लव्स, इसका बेस फॉर्म लव होता है, अर्थात लव इसका प्लूरल फॉर्म है, बट इसमें एस ऐड करके इसको सिंगुलर बना दिया गया है, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, अर्थात ये भी सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसको हमें करेक्ट करने के लिए इसे हमें प्लूरल वर्ब में चेंज करना होगा, अर्थात इसमें से हमें एस को हटाना होगा। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया कि टीचर्स लव गुड स्टूडेंट्स। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि कुछ सिचुएशन में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। कभी कभार जब सेंटेंस में डेयर नॉट या फिर नीड नॉट का यूज होता है, डेयर या फिर नीड के साथ अगर नॉट आ जाता है तो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर भी रहता है तो हम डेयर में एस ऐड नहीं करेंगे, इसको सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, नीड में भी एस ऐड नहीं करते हैं अगर इसके साथ नॉट का यूज हुआ है तो। अगर नॉट नहीं आया तो नीड्स हो सकता है, डेयर्स हो सकता है, बट अगर इसके साथ नॉट भी आ गया, ये नेगेटिव सेंटेंस में अगर आते हैं तो हम डेयर और नीड को हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखेंगे, इसे सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहना हुआ कि पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया, ये हमारा सेंटेंस है कि पाकिस्तान डेयर्स नॉट अटैक इंडिया। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखेंगे तो ये सेंटेंस हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट है पाकिस्तान जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके साथ जो डेयर्स का यूज़ किया गया ये भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, ये सेंटेंस हमें बिल्कुल करेक्ट लगेगा। बट ये एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है कि अगर डेयर या फिर नीड के साथ नॉट का यूज़ हुआ रहे तो ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आते हैं, इसमें हम एस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए इसमें से हमें एस को हटाना पड़ेगा, पाकिस्तान डेयर नॉट अटैक इंडिया, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। उसी तरह से अगर कहना हुआ कि शी नीड्स नॉट गो, उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, शी नीड्स नॉट गो, तो यहाँ भी हम देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट शी है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब नीड्स लगा हुआ है, बट अब इसके बाद नॉट आया हुआ है तो इस नीड्स में एस नहीं रहेगा, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा जब इसके साथ नॉट लगा होगा तो।
अर्थात यहाँ पे हमें एस को हटाना होगा, ये रहेगा शी नीड नॉट गो। अब ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स ये था इसमें फर्स्ट एक्सेप्शन। अब इसमें एक और एक्सेप्शन होता है कि जब भी हम कोई कल्पना करते हैं या फिर अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, जब भी कोई कल्पना करेंगे अपनी इच्छा जाहिर करेंगे या फिर हम कोई चीज़ मान लेते हैं, तो वहाँ पे आई के साथ भी वर्ड का यूज़ किया जाता है। या आपने कई जगह पे देखा होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में हम अपनी विश अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, कंडीशन होती है या फिर सपोजिशन होता है अर्थात कुछ मान लेते हैं, तो वहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी इच्छा जाहिर करने की काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो यहाँ पे हम कहेंगे इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इसमें अपनी इच्छा जाहिर की गई है, तो यहाँ पे हमें आई के साथ वर का यूज़ करना होगा। उसी तरह से जब हम सपोजिशन की बात होती, कोई चीज़ मान लेते हैं, जैसे ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माई मास्टर, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा है कि ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, एज इफ का यूज हम करते हैं मानो के लिए, उसने मुझे ऐसे आदेश दिया मानो वह मेरा मालिक हो। तो यहाँ पे मान लिया गया, सपोजिशन की यहाँ पे बात हुई कि ही ऑर्डर्ड मी एज इफ ही वर माई मास्टर, उसने मुझे ऐसे ऑर्डर दिया मानो वह मेरा मालिक हो। तो यहाँ पे ही के साथ हम वर का ही यूज करेंगे। अगर इसमें वॉज का यूज हुआ है तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से जब कंडीशन की बात होती है, जैसे इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर फॉरगिव हिम, इसमें आई के साथ वर का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको याद रखना होगा कि जब भी सेंटेंसेस में विश कंडीशन या फिर सपोजिशन की बात हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ड का यूज़ किया जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में, ऐसे सेंटेंसेस में इसके साथ वॉज का यूज़ किया गया हो तो वो इनकरेक्ट होगा, उसके स्थान पर हमें वर्ड का यूज़ करना होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के रूल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।